आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो एक बहुत बड़ी समस्या, हमारी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने वाला है। यदि आपके पास एक हैंकी के जितने भी छोटे कपड़े पड़े हैं तो आप इस DIY को बना सकते हैं और अपनी एक बहुत ही बड़ी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। मैंने इसे कपड़े के बिल्कुल छोटे से टुकड़े से तैयार किया है। यदि आपके पास एक छोटे से रुमाल के जितना भी कपड़ा पड़ा है तो आप इसे जरूर बना सकते हैं। ये एक ऐसा आइटम है, यदि आप चाहें तो इसे बिना सिलाई मशीन के भी तैयार कर सकते हैं। इस कपड़े की लंबाई एक तरफ से मैंने 11 इंच और दूसरी तरफ से इसकी जो चौड़ाई है मैंने 9 इंच रखी है। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। देखिए, इस तरीके से इसे पलट के डबल फोल्ड करते हैं। कपड़े को अच्छी तरीके से फोल्ड करने के बाद हाथों से इसे चारों ओर से अच्छी तरीके से मिला लें। अब यहाँ देखिए, इसके इस साइड से मैं कैमरे को थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखा रही हूँ। एक तरफ से ये खुला रहता है, दूसरे इसके बंद वाले साइड से हमें दो उंगली नाप करके जगह को छोड़ते हुए देखिए इस तरीके से एक सिलाई हमें ऊपर से देनी है और एक यहाँ नीचे से देनी है। साइड में यहाँ 1.5 इंच छोड़ते हुए इसे एक पॉकेट का रूप देना है। एक सिलाई हमें ऊपर से लगानी है और एक नीचे से लगानी है। नीचे से हमें 2 इंच की जगह छोड़ देनी है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि इस DIY में बहुत अधिक सिलाई की ज़रूरत नहीं है, तो हम चाहे तो इसे हाथ से भी बना सकते हैं। हमारा ये जो DIY है वो पूरे परिवार के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, मतलब कि काम का होने वाला है। तो आप इसको देखते रहिए, अभी फैमिली मेम्बर्स इसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। दोनों तरफ से सिलाई हो जाने के बाद देखिए ये एक पॉकेट की तरह हो गया। अब यहाँ हम बीच में दोनों कपड़ों के बीच में इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और नीचे से देखिए, ऊपर तो हमने स्टिचेस लगा लिए, अब नीचे से इस जगह पे हमें स्टिच लगानी है। ऊपर से जिस तरीके से हमने 2 इंच की जगह छोड़ी थी, बस नीचे भी उसी तरीके से 2 इंच की जगह छोड़ देनी है और बाकी इस जगह पे एक सीधी सिलाई लगा देनी है। यहाँ से मैंने 2 इंच की जगह छोड़ दी। इस जगह पे 2 इंच की जगह को छोड़ते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ। देखिए, इसे बनाना बेहद आसान है, 1 से 2 बार देखते ही आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम घर में बचे हुए वक्त में बना करके या करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप कर सकते हैं। जीवन में कुछ नया सीखने और करने की कोई उम्र नहीं होती है, हम कभी भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। जिस जगह पे हमने कपड़े की सिलाई छोड़ी थी उस जगह पे देखिए कपड़े को इस तरीके से पलट लेते हैं। पलटने के बाद इसका जो शेप है वो लगभग इस तरीके से दिखता है। अब नीचे यहाँ इस जगह से हमें एक सिलाई लगानी है और इसके ठीक ऊपर 1.5 इंच छोड़ते हुए इस जगह से हमें एक और सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम पहली सिलाई लगा रहे हैं, अब दूसरी सिलाई इस जगह पे यहाँ पे लगानी है। बहुत ही आसान तरीके से ये DIY मैं आप लोगों को बनाना बता रही हूँ। पसंद आने पे लाइक ज़रूर कीजिएगा। सिलाई करते समय 2 जगह से हमने इसे ओपन छोड़ा था। अब इसके ऊपर वाले भाग में इस जगह से देखिए हमें ये चावल को अंदर इंसर्ट करना है। देखिए, ये जो पॉकेट हमने बनाई है आधे में हमें चावल डालना है और आधे में फाइबर या रुई को डालना है। क्योंकि जो चावल होता है वो भारी होता है और ये जो DIY है इसे हम एक स्टैंड की तरह बनाने जा रहे हैं, तो इसमें हम ये चावल इंसर्ट कर रहे हैं। मैं अपने चैनल पे बिल्कुल नए नए तरीके के आइडियाज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये बिल्कुल नई तरीके की चीज़ें कि यहाँ इस तरीके से आधे में चावल को भरने के बाद इसके ऊपर हम रुई या फाइबर को इंसर्ट करेंगे। बिल्कुल ऊपर में मैं इसे मोर करके दिखाती हूँ। ये जो जगह हमने छोड़ी है इस जगह पर हमको फाइबर या रुई जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे इंसर्ट कर देना है। फाइबर्स को डालते वक्त बीच बीच में हमें इसे इस तरीके से सेट भी करते जाना है। के हाथों से प्रेस करने के बाद ये इस तरीके का शेप हमें मिल जाएगा। अब ऊपर जिस जगह से हमने गैप छोड़ी थी, जहाँ से हमने फाइबर और चावल को इंसर्ट किया था, उस जगह पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर नीचे इस जगह पर भी हमने 2 इंच की जगह छोड़ी थी, तो ये जगह हमने इसलिए छोड़ी थी ताकि नीचे से हम फाइबर को इंसर्ट कर सकें। नुकीली चीज़ से फाइबर को अंदर करने में थोड़ी आसानी रहती है, इसलिए मैं यहाँ पर कैंची का यूज़ कर रही हूँ। अब इसे पूरी तरीके से भरने के बाद देखिए हमने जो जगह छोड़ी थी उसे हमें सिल लेनी है। इसे थोड़ा डेकोरेट करने के लिए बो बनाने वाली हूँ। यहाँ पर इसके लिए मैंने 11 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है। इसे देखिए उल्टी तरफ से डबल करते हुए हमें इसके ऊपर स्टिचेस लगा देनी है। स्टिच लगाने के बाद थोड़ी सी जगह हमें छोड़नी है। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है ताकि हम इस कपड़े को पलट सकें।
मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही पुरानी रिक्वेस्ट, यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। इसे पलट लेने के बाद इसमें हल्की सी फाइबर्स को इंसर्ट कर देंगे जिसके कारण ये फुला फुला सा दिखेगा और अच्छा लगेगा। फाइबर इंसर्ट करने के बाद या तो इसे हम हाथों से या सिलाई मशीन की हेल्प से इसे सिल लेते हैं। ये जो DIY है इसे हम हाथों से भी सिल सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही कम सिलाई लगानी है। अब इसके ठीक बीचों बीच देखिए सुई से हमें इस तरीके से चुन्नटे बना लेनी है। चुन्नटे ठीक इसके बीचों बीच होनी चाहिए और यहाँ इस जगह तैयार हो गया हमारा बहुत ही प्यारा सा बो। इसे हम ऊपर में इस DIY के ऊपर इस तरीके से अटैच करेंगे। मैं इसे सुई धागे से पूरी तरीके से सिक्योर कर देती हूँ और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर हमने बनाया क्या है। ये हमारा तैयार हो गया है मोबाइल स्टैंड जिसमें से मोबाइल हमारा बिल्कुल नहीं गिरेगा। हम इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किचन में खाना बनाते समय, सब्जियाँ काटते समय, किसी भी जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जगह पे मैंने अपने टैब को डाला है। अब मैं अपने मोबाइल को भी डाल करके आप लोगों को दिखाती हूँ। मोबाइल बिना किसी सपोर्ट के ज़मीन में मैंने डाल रखा है। चूँकि हमने इसके अंदर चावल को इंसर्ट करके बनाया है, भारी होने की वजह से ये हैंडी है, इसमें मोबाइल डालने से बिल्कुल नहीं गिरता है। मैं यहाँ इस जगह पे सब्जियाँ काटते समय इसे यूज़ कर रही हूँ, सब्जी भी काट रही हूँ और साथ में मोबाइल को भी देख रही हूँ। चाहे तो सिलाई करते समय या किसी भी काम को करते वक्त इस तरीके से स्टैंड में मोबाइल को लगा करके उसे देख सकते हैं। छोटे बच्चों को भी मोबाइल देने से पहले इस तरीके से यदि हम स्टैंड बना लें और उस पर रख के उसे मोबाइल देखने के लिए दे तो हमारा मोबाइल गिरेगा भी नहीं। साथ ही थोड़ी दूरी पर रख देने से उनकी आँखों को भी नुकसान नहीं होगा। इसको कैरी करना भी आसान है, कहीं भी हम इसे साथ में रख के ले जा सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा है, किसी भी बैग में या पर्स में आसानी से आ जाएगा।